जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण दसवां अध्याय जाग कर्म नाम करण और विवाह संस्कार की विधि। सगर बोले, हे द्विश्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के षोडश संस्कार रूप कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगु श्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और वह बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रिया कलाप के विषय में पूछा, सो मैं सबका वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनिए। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और अभ्युदय का श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बैठाकर युगम ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा जातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृ पक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक देव तीर्थ अर्थात अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नांदी मुख पितृगण को दही जौ और बद्रु फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे। अथवा प्राजापत्य तीर्थ अर्थात कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान कर दे। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि काल में भी करे। तदंतर पुत्रोत्पत्ति के दसवें दिन पिता नामकरण संस्कार करें। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तो पीछे शर्मा वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नामांत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखें, जो सुख पूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हो, ऐसा नाम का व्यवहार करें। तदंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु ग्रह में रहकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करें। हे भूपाल, फिर विद्या अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचार्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु पुत्रों की सेवा शुश्रूषा करता रहे, अथवा अपनी इच्छानुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करें। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करें तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांगली या पांडु वर्णा अर्थात भूरे रंग की स्त्री से संबंध ना करें, जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हो, जो अपवित्र रोम युक्त अकुलीना अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पानी ग्रहण ना करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटु भाषिणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके शमश्रु मूछों की चुनह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो अथवा घर घर शब्द करने वाली अति मंद या कौवे के समान कर्ण कटु स्वर वाली हो तथा पक्षम शून्य या गोल नेत्र वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करें। जिसके जंघों पर रोम हो, जिसके टखने ऊंचे हो तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हो, उस कन्या से विवाह ना करें। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन ना हो, नख पांडुर वर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध ना करे। जो अति वामन अथवा अति दीर्घ हो, जिसकी भुकुटियां जुड़ी हुई हो, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो दंतुर अर्थात आगे को दांत निकले हुए मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह ना करें। हे राजन, मातृ पक्ष से पांचवी पीढ़ी तक और पितृ पक्ष से सातवीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध ना हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण,
दैव आशु प्राजापत्य असुर गांधर्व राक्षस और पैशाच ये आठ प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है उसी के द्वारा दार परिग्रह करें, अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सहधर्मणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में दसवां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।